हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की शाम बहुत हसीन है। यहाँ तो रोज़ ही हर शाम हसीन होती है। सूरज देखिए डूबने वाला है। ऐसी शाम शहर में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती, क्योंकि कल हम लोग दोस्तों चले जाएंगे। सुबह हुई और सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए दोस्तों सहसुद खाने। जाने से पहले एक बार सहसुद खा लिया जाए फिर से। वहाँ पर तो इतना अच्छा नज़ारा देखने को ही नहीं मिलता। इस बार हम लोग हालांकि 15 दिन रुके, लेकिन फिर भी हम लोग का मन नहीं भरा दोस्तों। अच्छे से रह ही नहीं पाए, बस काम काम करते रहें और मुंडन की तैयारी करते रहें। लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। बस अब थोड़ी देर बाद हम लोग को निकलना होगा। तो दोस्तों चल रही हैं, आज इतना दिन हो गया, 15 दिन से हम लोग यहाँ पर थे और बहुत मज़ा आया घर पे। अब आज जो है वो एंड हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं घर, वापस जा रहे हैं गोरखपुर, और सब लोग विदा करने आए हैं इतने सारे लोग। आज हम लोग अभी निकल जाएंगे, और सफ़र में तो हो सकता थोड़ा बहुत ठीक लगे, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाएंगे दोस्तों तो यहाँ की बहुत याद आएगी। कुछ दिन तक तो अच्छा ही नहीं लगेगा हम लोगों को, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। बस गांव की याद आएगी, वही हसीन नज़ारा, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के लोग, वहाँ का सब कुछ याद आएगा। बस हम लोग पहुँच चुके हैं, अब देखिए साई नदी के पास। यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। नज़ारा दोस्तों बहुत खूबसूरत होता है, आपको ले चलते हैं और देखिए ये नदी बहुत खूबसूरत लगती है। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, तो आपको दिखा देते हैं एक नज़ारा। वो देखिए भैंसें नहा रही हैं, छप्पा छप्पा उनको नहला रहा है भैंसों का मालिक। तो चलने से पहले सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देखिए शुरुआत कर दी है चांदनी ने चुस्की गोला की। ये कैसा है? अभी हम लोग पहुंचे हैं दोस्तों सिसेंडी, और बस बाई रोड जाना है हम लोगों को गोरखपुर तक। तो रास्ते में ऐसे ही कुछ खाते पीते चलते हैं और आपको भी दिखाते चलते हैं कि कौन कौन सी मौज मस्ती करी हम लोगों ने। रंडी है भाई, स्टिक है उसमें, देखो वो क्या है जिसे कर रहे हो। अच्छा नहीं। वो अलग से, ये जो साइड में रखी ये दूसरी वाली, ये कर रहे हैं, ये इसे ही लिया है। इसको क्या करोगे, सांस लेगी क्या वो? इसके एक तरफ से सांस जाएगी, दूसरे से सांस आएगी। वाह, ये हो गई लजीज चुस्की गोला। अब इसको हम लोग लेते हैं यहाँ से सिप, मजा आएगी दोस्तों। क्या बात है, वाह, पास देखिए एकदम एक एक दाना झलक रहा है। अब बस पीते हैं दोस्तों। कबाब पराठा की दुकान देखिए सामने, मस्त देखिए कबाब पराठा बन रहे हैं। और फिर हम लोगों ने अब मंगा लिया है और देख रहे हैं कितने मोटे मोटे यहाँ के जो रोल मिलते हैं, वेज कबाब रोल हैं ये दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और टेस्टी हैं, स्पाइसी हैं, और सिर्फ 30 रुपये का मिलता है एक रोल। गोरखपुर में तो ऐसा रोल कहीं नहीं मिलता है। और अब क्या किया, साथ में पैक करा ली थोड़ी सी वेज बिरयानी और एक लस्सी। इतना काम थोड़ा सा हो गया हमारा। लस्सी जो साइड में देख रहे हैं आप, जो ऊपर की जो रबड़ी है ना वो गायब दिख रही होगी, वो मैं रास्ते में चेक करते हुए आया हूँ। और कोई दिक्कत नहीं बाबू, बाबू कुछ नहीं खा पाएगा। और सब लोग अपने अपने रोल में लगे हुए हैं भाई, बहुत अच्छे से बस रोल खा के निकल रहे हैं यहाँ से।
होटल देखो कितने अच्छे अच्छे बने यार यहाँ पे ना, रॉयल हेरिटेज अयोध्या में काफी बड़े बड़े होटल हैं। हाँ हाईवे के साइड में साथियों, अब लगी है हम लोगों को भूख, रात के बज गए हैं 11, तो हम लोग जा रहे हैं अब खाना खाने, और रेस्टोरेंट भी मिल गया हम लोग को, सावनी रेस्टोरेंट एंड ढाबा। तो हम लोग अंदर गए दोस्तों, छोटा था लेकिन बहुत अच्छा था, अंदर साफ़ सफाई बहुत अच्छी लगी और वहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी थी, और खाना तो दोस्तों बहुत टेस्टी लजीज था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना था, तो मज़ा आया कुल यहाँ पर डिनर करके। इसके बाद हम लोग निकल लिए घर के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है वो यहीं ख़त्म होता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक खूबसूरत सुहानी नई सुबह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।